नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर डबरा से मिल रही है। पिछोर नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में नागरिकों द्वारा पूर्व मंत्री इमरती देवी को पिछोर नगर की विद्युत व्यवस्था को पूर्णतः बंद करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। अघोषित बिजली कटौती को लेकर नगर परिषद पिछोर के लोगों ने पूर्णतः बिजली बंद करने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अघोषित बिजली कटौती के कारण हमारे बच्चे मोमबत्ती और दीपक के सहारे पढ़ना और रहना सीख गए हैं, इसलिए पूर्णतः शहर की बिजली बंद कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। और नहर के पानी की समस्या भी, हाँ वो भी मैंने एसडीएम से चेक इस संबंध में दिया गया, क्योंकि पिछोर की जो लाइट की व्यवस्था है वह इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है कि सारी पिछोर बस्ती उससे बहुत ज्यादा पीड़ित है। लाइट का कभी कोई पता नहीं रहता कब आती है कब जाती है। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 3 घंटे 24 घंटे में से लाइट मिल रही है। 2 मिनट के लिए आती है, 2 घंटे के लिए जाती है। इसलिए आज हम सभी पिछोर वासियों ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया है कि माननीय मंत्री महोदय, हमारे इस ज्ञापन पर विचार किया जाए और पिछोर की विद्युत जो व्यवस्था है पूर्णतः बंद कर दी जाए, जिससे कम से कम हम बगैर बिजली के जीवन यापन करना सीख सकें। हमारे बच्चे बगैर लाइट के चिमनी में और मोमबत्ती में पढ़ना सीख सकें। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सभी बगैर लाइट के जीवन यापन करना सीख सकें और पूरे पुरातन काल की हम लोग पुरातन काल में वापस चले जाएं। हमें कोई विकास नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली के नाम पर कोई विकास नहीं दिया जा रहा। इससे पीड़ित होकर हमने ये ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया गया है। हम लोगों की सभी की अपील है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।